हेलो मेरे यारों, तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे यानी मैजिकल रिएक्शन पे। और आपका भाई आ चुका है आप लोगों के पास एक बड़े फिड़े को और रिएक्शन लेके। तो यार अराउंड 7 दिन या फिर 10 दिन पहले अगर तुम मेरे वीडियो देखते हो तो तुम्हें याद होगा जब मैंने एमसी स्टैन का पूरा एल्बम कवर किया था, उस पर रिव्यू बनाया था। तब मैं बोल रहा था बार बार की यार ट्रैक लिस्ट में MS12 एक ट्रैक है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, वो कहीं मिल नहीं रहा है। So, आज के दिन जुम्मा के दिन दोपहर 12 बजे भाई ने अपने चैनल पे MS12 ड्रॉप कर दिया है। सो व्हाट वी गोना डू, वी गोना जंप इनटू द रिएक्शन रियल क्विक। और पहले हम रिएक्शन शुरू करें उसके पहले मेरे सारे व्यूवर्स को, मेरे सारे भाइयों को बोलना चाहूंगा, मैंने कल कुछ एक नया ट्राई किया, एक नया कंपाइलेशन वीडियो बनाया अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ हिप हॉप इन इंडिया। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो तो लिंक पे जाके क्लिक करके वो वीडियो देख के बताना कि कैसा लगा और इन फ्यूचर वैसा और वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। तो अब चलो समय बर्बाद नहीं करते हुए वी गोना जंप इनटू द रिएक्शन फॉर MH12 बाय MC स्टैन एंड टू ऑल द स्टैनी फैंस, टू ऑल माय पीपल इन पुणे इंडिया। अगर रिएक्शन देख रहे हो, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को प्यार देना। सो लेट्स स्टार्ट इट ब्रदर। अच्छा मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया, थोड़ा पीछे चलते हैं। अब बूम कभी तो कैरियत पूछो तुम्हारे दीवाने का क्या है। दिस इज द ट्रैक, वो मूवी का नाम क्या था यार, सुशांत सिंह राजपूत का मूवी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, केदारनाथ, केदारनाथ का ये ट्रैक है राइट। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, सो आई गेस ही इज यूजिंग दैट। ओके देखते हैं। दीवाने का क्या है यार, चलो आ रही है चलो आ रही है दीवाने का ट्रैक। अगर होगा तो काफी तगड़ा फ्यूजन कुछ होने वाला है बिकॉज भाई ने स्पिट करना शुरू कर दिया लेकिन पीछे अभी वो खैरियत वाला सैंपल बजी रहा है। सब लोग ने बचने बोले कर रहे मेरे को ये बीफिंग, लाया मैंने इंडिया में डिस गेम। तो यार डिस गेम एक्चुअली हो तो पहले से रहा है लेकिन जो काफी फेमस हुआ वो 2019 में जब एमिवे और रफ्तार का हुआ था, बट वो बीफ में भी एमसी स्टैन हैड प्लेड एन वाइटल रोल। तो यहाँ पे भाई इज क्लेमिंग दैट ही हैज ब्रॉट बीफ गेम डिस गेम इन इंडिया। ओके कर रहे ले में कोई लुक डी फेम लाए मैंने इंडिया में डिस गेम, सब लोग ने बचने बोले ड्रिल पे पीछे मत लगो एक चीज के वैसा लगा तेरे को मेरे को मिल के। ओहो ये सही था, ये सही था, थोड़ा पीछे चलो वापस ये बार सुने ये काफी सही था। सब लोग ने बचने बोले ड्रिल पे पीछे मत लगो एक चीज के, सबको मत बोलो यार कि वो ड्रिल के पीछे बसते रहे एक चीज के पीछे, चलते चलते ना तुम उसका जुलूस निकाल देते हो। बिकॉज हमने ये देखा है ब्रो few months back या फिर not few years actually few months back, एक ऐसा time चल रहा था where everybody हर कोई अपना मतलब drill beat पे एक track डाल ही रहा था, बड़े से बड़े rapper बोल दो या फिर मतलब एक trend आ गया था कि drill beat पे rap करना है। तो भाई वही बोल रहा है अगर एक चीज को तुम अगर निचोड़ोगे ना तो सारा रस निकल जाएगा, उसका जो मेन मतलब उसकी जो अच्छी चीज है वो बाद में तुम्हें सुन के भी मजा नहीं आएगा ब्रो, बिकॉज एक चीज अगर तुम बार बार सुन रहे हो तो मन उब जाता है। सो दैट व्हाट इज सेइंग लाए मैंने इंडिया में डिस गेम, सब लोग ने बचने बोले ड्रिल पे पीछे मत लगो एक चीज के कैसा लगा तेरे को मेरे को मिलके, निकलता सीधा मेरे दिल से मार के निकला मैं झुम्मे को, लड़की को छोड़ इधर फिदा हो रहे आंटी लोग पसंद है देखो तो सुना मेरे बुल्ले को हिट मेरे को करो, लड़की को छोड़ इधर फिदा हो रहे आंटी लोगों के। तो ब्रो साउथर्न इंडियन क्राइम पेट्रोल देख के पता नहीं लोगों को क्या हो गया, नाउ दे आर मोर फोकस ऑन आंटीज द वुमेन इन द 30s रादर देन द गर्ल्स इन द 18s। तो ये चीजें तो हो रही है मेरे भाई, निकला मैं झुम्मे को लड़की को छोड़ी इधर फिदा हो रहे आंटी लोग पसंद है देखो तो सुना मेरे बुल्ले को हिट मेरे को करो अगर कुछ नहीं ये करने को, आप तेरे बने बोला समझा तेरे बच्चे को रोज लेटर महफिल में लिंगे बच्चे लोग बच्चे लोग करता मैं बंटे और बच्ची को लिल को लेके आएंगे नहीं तो लिल बेबी को। थोड़ा पीछे चलते यार, ये मुझे लगता है कि MC स्टैन को मतलब भाई को करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर करते तो काफी सही होता। अब व्हेन यू आर ड्रॉपिंग एनी ट्रैक अगर ऑडियो है या फिर वीडियो कुछ भी है
क्लोज कैप्शन डाल दिया करो यार, इजी रहता है टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड। इनके बच्चे लोग अच्छे करता में बनते हैं और बच्ची को लील को लेके आएंगे नहीं तो लील बेबी को। बच्चे लोग 12 के एमएच 12 से आने वाले जितने भी यात्री मेरे दिल का ही को जलाते भाई बोलू गला के पीछे से वेट मारा रात्रि मेरे को टेंशन है हिट इसका गुस्सा मैं पे करता कलयुग में मिलेंगे गाती ये उनकी भी गलती नहीं रे मेरी चलती नहीं करा तूने बोलने के बाद भी सैनी एक गाने पे उठा था मार्केट इसको नहीं करता मैं टारगेट डब्ल्यू में घूम रेला चार के। अगर तुम वटा वाला ट्रैक हटा दो उसके बाद अगर तुम एमसी स्टैंड पे फोकस करोगे भाई के गानों पे फोकस करोगे व्हाट ही ट्रोली, मतलब वो बंदा बस खुद के ऊपर ध्यान दे रहा है अपने म्यूजिक के ऊपर ध्यान दे रहा है किससे क्या लपड़ा है क्या नहीं है उन्हें भाई ही डजंट गिव अ फक क्या फक देता है बस अपने म्यूजिक पे। तो दैट व्हाट ही इज सेइंग हियर गाने पे उठा था मार्केट इसको नहीं करता मैं टारगेट डब्ल्यू में घूम रेला चार के मालूम ना कैसा फिर मारते झूठ नहीं बोलता मेरी माँ से नंबरकारी शारदे अपने को लूट रहे भार के समझेंगे नहीं इडी गांड के झगड़े लगा के तू खुश रहा अपने में तेरा शॉट हम लोग ने रेड हैंड पकड़े थे मेरे जैसे जो भी इधर बैठे ले कट्टे पे इन लोगों को बोलना मैं चाहूंगा चलते रहे हेटर्स मेरा रिंगा तो मिलने के सपने देख शायद तुम्हारे दिमाग के घुटने में थोड़ा सा जल्दी में राइड हो गए दोस्त की हल्दी में ले जरा आमिर लोग को घस्ती में मालूम ना बस्ती का हस्ती में तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है बेबन के फुल एतिका आइटम को पूछा तेरे गीती का फेस पे तेरे गला था उगज की गांड को मारा था बोल बच्चन जो तो साला का ये आइटम को पूछा तेरे देखी क्या इसके पहले गाना बोल क्रेजी। That mumble was good यार, मुझे mumble पसंद नहीं है लेकिन पसंद तभी आता है जब stand करता है। बेबन के फुल एतिका आइटम को पूछा तेरे गीती का फेस पे तेरे गला था उगज की गांड को मारा था बोल बच्चन जो तो साला का ये आइटम को पूछा तेरे देखी क्या इसके पहले गाना बोल क्रेजी था मिलेंगे ये उनकी भी गलती नहीं है बल्कि चलती नहीं करा तूने बोलने के बाद इट वॉज अ गुड ट्रैक यार, मुझे प्रोडक्शन काफी तगड़ा लगा और काफी अच्छा लगा, मतलब स्पेशली वो जो खैरियत वाला सैंपल यूज किया गया था बिकॉज इट इज वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक, मुझे काफी पसंद आता है। एंड द वे हिज स्पिट भाई सब एमसी स्टैंड, जैसे भाई बोल रहे ना कि एक गाने से मार्केट उठाता है तो ब्रांड वैल्यू तो बंदे ने कुछ ऐसा अपना बना ही लिया है। तुम एक साल में देख लो कि बंदे ने कितना ज्यादा खुद का नाम एस्टैब्लिश किया है। बैक इन 2021 अगर तुम मिड ऑफ 21 में देखो तो ही गॉट अराउंड 7 लाख सब्स और मे बी 6 लाख सब्स। आज के दिन देखो 7 महीने या फिर 6 महीने हार्डली होंगे ही इज नियरिंग आई गेस ही इज ऑलरेडी क्रॉस 2 मिलियन लेट मी चेक वंस 20 लाख सब्स तो हो गया भाई के यस 2.2 मिलियन सो दैट्स अ बिग नंबर। तो तुम्हें पता लग रहा है कि जो भी म्यूजिक बंदा बना रहा है उसकी फैन फॉलोइंग है, बंदे उसे सुन रहे हैं, बंदे उसे पसंद कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी दिस नंबर्स। 5 मिनट इनटू दिस ट्रैक एंड ऑलरेडी 35,000 व्यूज और मुझे लगता है कि ये ग्लिच हुआ है बिकॉज ऑलरेडी देयर इज 36,000 लाइक्स, तो ये ग्लिच से नंबर्स और बढ़ेंगे। सो इट वॉज अ गुड ट्रैक। सो विद दिस ट्रैक अब खत्म हो गया जो एल्बम था इंसान बाई एमसी स्टैंड द मोस्ट हाइप्ड एल्बम इन दिस हिप हॉप करेंटली एंड इट वाज अ गुड एल्बम अपार्ट फ्रॉम फ्यू ट्रैक्स, 2-3 ट्रैक मुझे एवरेज लगे फिलर्स लगे लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स वाज अमेजिंग एंड एमएस 12 इट वाज अ गुड ट्रैक बिकॉज इसके लिए भी हाइप कुछ वैसे ही तैयार हो गई थी बिकॉज सब ढूंढ रहे थे यार कि ट्रैक लिस्ट में ये गाना है लेकिन ये मिल क्यों नहीं रहा हम सुन क्यों नहीं पा रहे, तो भाई ये ने एटलीस्ट ड्रॉप कर ही दिया सो इट वॉज अ गुड ट्रैक। So, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई को प्यार देना और कल वाली वो कंपाइलेशन वीडियो प्लीज देख के रिव्यू देना बिकॉज मैं सोच रहा हूँ इन फ्यूचर मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक जय श्री राम सत श्री अकाल असलाम वालेकुम।